पानसेमल जनपद पंचायत कार्यालय परिसर में आज हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने करवाया मुंडन। पानसेमल जनपद पंचायत कार्यालय परिसर में संयुक्त मोर्चा कर्मचारी संगठन द्वारा शासन द्वारा अभी तक कोई पहल नहीं करने पर आज मुंडन करवाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों ने बताया, हमारे द्वारा जिले के उच्च अधिकारियों को समस्याएं बताई गई है, लेकिन आज 22 जुलाई से अभी तक शासन द्वारा किसी भी माध्यम से चर्चा नहीं की गई, न ही कोई आदेश जारी किया गया। पुरानी पेंशन, वेतन वृद्धि, नियमितीकरण तथा अनुकंपा नियुक्ति पर किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया गया। पानसेमल व खेतिया से राजू गायकवाड़ की रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? दिलीप गिरा से, मैं पानसेमल में विकासखंड समन्वय हूँ स्वच्छ भारत मिशन का। आज ये मुंडन के क्या वजह इसकी? सर, इसके लिए संयुक्त मोर्चा संगठन के अंतर्गत हमारी जो कुछ मांगे रखी थी, आज उसका 7वां दिन है। हम हड़ताल पर बैठे हैं और सरकार द्वारा हमारी कोई मांग पूरी अभी तक नहीं की गई है और ना ही सरकार का कोई प्रतिनिधि हमसे संपर्क करने के लिए आया है। जी सर, वो जब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, संगठन हमारा पूरा साथ है। सर, क्या नाम है आपका? मैं प्रशांत सूर्यवंशी, जिला पंचायत बड़वानी में डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल एक्सपर्ट वाटर साइड में हूँ। तो सर, हमारी जो मांगे हैं संयुक्त मोर्चा संगठन के अंतर्गत बैनर तले अंतर्गत, इसमें सर 17 संगठन हैं। 17 संगठनों की हमारी केवल 2 ही बुक मांगे हैं। जो रेगुलर कर्मचारी हैं उनमें उनके जो जो मानदेय है, जो वेतनमान है, वो वेतनमान एक समान नहीं है। तो हम उसमें एक जाई चाहते हैं। और दूसरा है जो संविदा कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारियों की तरफ से हमारी मुख्य मांगें ये हैं कि जो 5 जून 2018 की जो नीति है वो एज इट इज़ लागू हो, जो सीएजी के द्वारा 5 जून 2018 को हमें दी गई थी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन होते होते सभी विभागों, सभी योजनाओं के जो डायरेक्टर हैं, जो योजना प्रभारी हैं, सभी को वो दी गई है, लेकिन आज दिनांक तक उसमें कोई आशाजनक वो हमें प्रगति नहीं मिली है। और ये मांगे केवल आज या केवल 2017 से नहीं है, ये निरंतर लगभग पिछले 15 से 20 साल से निरंतर चली आ रही हैं, जो कि आज भी बरकरार हैं। तो हम चाहते हैं शासन से कि हमारी जो मुख्यतः मांगे हैं, एक तो वेतन विसंगति और दूसरी संविदा वालों को नियमित करने, ये हमारी मुख्यतः 2 मांगे हैं। धन्यवाद। तो क्या नाम है आप? योगेश तिवारी, जिला परियोजना प्रबंधक। सर, क्या किस संबंध में FD दी गई और क्या है पूरा मामला? FD आज दी गई है, माधुरी मैडम हमारी थी धार के दही में, वो थी सहायक विकासखंड प्रबंधक थी और उनका स्वर्गवास हो गया था कुछ दिनों पहले। तो अभी हमारी जो संविदा नीति है उसमें इंश्योरेंस का कहीं वो नहीं है, इंश्योरेंस के लिए कुछ किया जा सके। तो हम लोगों ने सोचा, बड़वानी में एक संघ बना हुआ है कमीशन का, उसमें हम लोगों ने सोचा कि थोड़ी सी मदद अगर हम लोगों के माध्यम से हो सकती है बच्चे के नाम से, तो वो करने का प्रयास किया है। वैसे बहुत छोटी सी एक तरह से वो है, मदद है। तो हम लोगों ने नैतिक बेटे का नाम उनके नाम से 50,000 की अर्जी कराई है, वो उनको आज सौंपा है, दिया है। तो क्या विसंगतियाँ आएगा सर इसमें? विसंगतियाँ क्या रहेगी सर? परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, शासन स्तर से क्या विसंगतियाँ रहेगी? परेशानियों का शासन स्तर से तो बहुत सारी विसंगतियाँ हैं, जैसे एक तो नकदीकरण का चल ही रहा है, दूसरा हमारे 90% का वेज देने की बात चली, इंश्योरेंस की अभी बात चली, ग्रुप इंश्योरेंस होता है, अभी हम लोग इंश्योरेंस कराते हैं तो बड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन ग्रुप इंश्योरेंस होते हैं तो थोड़े सस्ते में हो जाया करते हैं। तो ये वाली चीज़ें हैं और बहुत सारी मांगें हैं अलग अलग RPTV न्यूज की खबरें पाने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाइए और साथ ही RPTV की न्यूज की खबरों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।